में निकला था, उस वक्त हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी उस वक्त जीवित थे, उनके रहते हुए ही मैं बिहार बस बिहारी बस यात्रा पर मैं निकला था, और जिसमें मुख्यमंत्री जी की कई गलत नीतियों को हम लोगों ने उस वक्त उजागर करने का काम किया। ये बातें मैं आप लोग के समक्ष इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कई बार ये भ्रम की स्थिति उत्पन्न की जाती है कि हम सब साथ लड़ना चाहते थे, तो ये फैसला चिराग के द्वारा अकेले लिया गया। ये तमाम बातें उस परिप्रेक्ष्य आप लोग के समक्ष मैं रखने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। तो हमारे नेता भी उस वक्त चाहते थे कि हम लोग इस गठबंधन से अलग हों, और 2020 आते आते तक भारतीय जनता पार्टी की वजह से नहीं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से खिलाफत करते रहे। और उस वक्त भी इस बात को मैंने और रिकॉर्ड कहा था कि भाजपा से मुझे कोई एतराज नहीं है, पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का उस गठबंधन में रहना हम लोग को स्वीकार्य नहीं है, और हम लोगों ने गठबंधन से अलग हुए पर किसी दूसरे गठबंधन की तरफ हम लोग नहीं गए। ये पुनः हमारे नेता के उन सिद्धांतों का प्रतिबिंब है जब उन्होंने समझौते राजनीतिक लाभ के लिए नहीं, सिद्धांतों के लिए। राजनीतिक लाभ के लिए अगर मैं समझौता 2020 में करता तो पहले तो एनडीए से ही अलग नहीं होता, और अगर एनडीए से उस वक्त मैं अलग नहीं होता, जितनी सीटें ये लोग मुझे लड़ने के लिए दे रहे थे उतनी लड़ता, अधिकांश जीतता, बिहार में मेरे चार मंत्री होते, खुद 2020 से मैं केंद्र सरकार में मंत्री होता। या अगर किसी वैकल्पिक गठबंधन की ओर भी जाता तब भी राज्य सरकार में एक मजबूत स्थिति में मैं उस वक्त होता। पर ये तमाम फैसले अपने सिद्धांतों अपने विचारधारा के आधार पर लिए। ये समझौता ना मेरे नेता मेरे पिता ने कभी किया था, ना ये समझौता चिराग पासवान कभी करे। 2020 का फैसला और उसके परिणाम आप सबके समक्ष है। यकीनन जहां पे हम लोग को बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद थी, पर अकेले लड़ने के बावजूद जहां पे हम लोग के अलावा शायद ही कोई और दल ऐसा होगा जो अकेले लड़ रहा होगा, कोई चार झंडे के साथ, कोई तीन झंडे के साथ, अलग 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 सब लोगों ने चुनाव लड़ा, पर उसके बावजूद लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को जहाँ 6% का मत मिला, एक हमारे विधायक जीते जिन्हें पुनः अपने कार्य शैली के अनुरूप मुख्यमंत्री जी ने तोड़ने का कार्य किया, तो वही मुख्यमंत्री जी की अधिकांश सीटों पर उनको मजबूत नुकसान पहुंचाने का काम लोक जनशक्ति पार्टी के द्वारा किया गया। उस वक्त भी एक ही रूप में थी, मूल स्वरूप में ही थी लोक जनशक्ति पार्टी। बहरहाल उसके बाद भी समय समय पर हम लोगों ने मुद्दों के आधार पर भारतीय जनता पार्टी का समर्थन हम लोगों ने हमेशा किया। आप सबने कई बार इस बात को कहा कि मैंने प्रधानमंत्री जी या केंद्रीय गृह मंत्री जी या भारतीय जनता पार्टी की कभी खिलाफत मैंने नहीं की। उसके कारण भी रहे, कई बार मुझे उकसाया भी गया, कई परिस्थितियां मेरे सामने रखी गई कि भाई आपका तो घर खाली करवा दिया, तो आपकी तो पार्टी तोड़ दी, तो आपका तो परिवार तोड़ दिया, फिर भी आप, क्योंकि ये सब सवाल अभी आएंगे आपकी तरफ से, मैं पहले ही इसमें एक स्पष्टता दे रहा हूँ, जब आप पूछेंगे मैं पुनः दोहराऊंगा। तो उस वक्त भी इस बात को मैंने स्पष्ट रखा था कि मेरे व्यक्तिगत हितों की लड़ाई नहीं, ये मेरे विचारधारा की लड़ाई है, ये हमारे सिद्धांतों की लड़ाई है, मैं बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट को लेकर आगे बढ़ने का मैं काम कर रहा हूँ। ऐसे में मेरे मुख्यमंत्री की सात निश्चय नदी गली बनाने से भैया बिहार का विकास नहीं होगा, हुआ होता तो 18 साल से जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उनको आज बिहार को इस बदहाल परिस्थिति में नहीं देखना पड़ता। आज बिहारी जिस परिस्थिति में बिहार में जी रहे हैं, ये आजादी के 75 साल के वाला एक राज्य नहीं हो सके। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी की गलत नीतियों के हम लोग खिलाफ रहे। 2020 में उसी के आधार पर हम लोगों ने चुनाव लड़ने का हम लोगों ने काम किया, और उस वक्त भी जब हम लोग अलग हुए भारतीय जनता पार्टी का और प्रधानमंत्री जी का समय समय पर रहकर मैंने समर्थन उनकी नीतियों का, हर उस नीति का जो हमारे सिद्धांतों के आधार पर रही, मजबूती से हम लोगों ने समर्थन किया। कई बार तंज के तौर पर मेरे ऊपर हनुमान का भी का नाम दिया गया, पर्यायवाची नामों से मुझे बुलाया गया। इन तमाम बातों को सहजता से स्वीकारते मैंने कभी इस बात से परहेज नहीं रखा कि मेरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति व्यक्तिगत तौर पर और एनडीए की नीतियों के साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की नीतियों का सहजता के तौर पर एक संबंध हमेशा से रहा है, और उस संबंध को बीते दिनों बिहार में जो चुनाव हुए उसमें भी मैंने निभाया। एनडीए से अलग होने के बावजूद भी तीनों उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हम लोगों ने प्रचार किया, जिसमें कुर्मी और गोपालगंज की सीट हम लोग जीते, वही मुकामा वाली सीट जो वैसे ही बहुत कठिन कही जा रही थी, बट उसका जो एक हार का मार्जिन बड़ा होता उसको कई हद तक हम लोगों ने सीमित करने का काम किया। उसके बाद निरंतरता में भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि तब तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पुनः अपने कार्यशैली के अनुरूप
गठबंधन से अलग हो गए थे बहुत ज्यादा समय तक, एक गठबंधन में वो रह नहीं पाते, असहज महसूस करते हैं अपने आप को उस गठबंधन में। वो गठबंधन से अलग हुए भारतीय जनता पार्टी के कई नेता, तब से लेकर अभी तक मेरे मेरे पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं के संपर्क में रहे। यकीनन हम लोग की कुछ चिंताएं थी, कुछ कंसर्न्स थे, जिसको कई बार कंडीशंस शर्तों का नाम दिया जाता है, वो कोई शर्तें नहीं थी, वो हम लोग की चिंताएं थी, जिसको हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के समक्ष पिछले दिन मैंने रखा, और उससे पूर्व भी उनके द्वारा उनके तमाम नेताओं के समक्ष उनको रखने का मैंने काम किया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री आदरणीय नित्यानंद राय जी, कई बार उनसे मेरी मुलाकातें हुई, उनके समक्ष भी जितने भी मेरे कंसर्न्स थे, जितनी भी चिंताएं थी, उनके समक्ष बहुत सहजता से रखा, और उतनी ही सहजता से, उतने ही सकारात्मक तरीके से उन विषयों पर चर्चा हुई, और एक आम सहमति बनने के बाद कल मेरी केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी से मुलाकात हुई, और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी से मेरी मुलाकात हुई, और इन तमाम बातों पर एक आम सहमति बनने में बहुत सकारात्मक तरीके से ये चर्चाएं हुई, बहुत पॉजिटिव ये बातचीत रही, और अंतोगत हुआ इन तमाम विषयों को मद्देनजर रखते हुए लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के तमाम राष्ट्रीय पदाधिकारी, तमाम राज्यों के हमारे पदाधिकारी, प्रदेश के तमाम पदाधिकारियों से एक आम राय बनाकर चर्चा करकर कल लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास एनडीए औपचारिक तौर पर पुनः जुड़ने का ये फैसला लिया है, और इस फैसले के मद्देनजर आगामी 2024 का लोकसभा का चुनाव एनडीए कैसे मजबूती से लड़े, और बिहार में जो पिछली बार एक चूक हो गई थी, एक सीट से हम लोग रह गए थे, 40 में से 39 सीटें, एक सीट हम लोगों की रह गई थी, तो इस बार कैसे 40 हो के 40 सीट जीते, और ये कोई ऐसा टारगेट नहीं है, ऐसा लक्ष्य नहीं है जो कि अनअचीवेबल हो, पूरी तरीके से आज की तारीख में जो भी बिहारी है या जो भी बिहार की जनता के रुख को अब समझता है, तो वो इस बात से सहमत होगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जिस गठबंधन में रहेंगे वो उस गठबंधन को नुकसान ही देंगे। उनके प्रति जो आक्रोश है 2020 में भी हम लोगों ने देखा, इसीलिए उनकी पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी बनी, आधे से ज्यादा प्रत्याशी उनके चुनाव हारे, तो जनता का आक्रोश है उनके प्रति, और विश्वसनीयता भी बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह मौजूदा सरकार के ऊपर है, जिन्होंने नो एंट्री कहा उन्होंने ही उनकी एंट्री दिक्कत दिलाई, जिन्होंने कस्बे खाई कि हम इनके साथ नहीं जाएंगे उनके साथ दोनों वापस आए, तो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के लिए बना हुआ बिहार में ये महागठबंधन जनता को कम से कम स्वीकार्य नहीं है, और ये मेरे विश्वास को बढ़ाता है कि आने वाले लोकसभा के चुनाव में एनडीए गठबंधन मौजूदा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में 40 की 40 सीटें में बिहार से मैं बोल सकता हूँ, बाकी राज्यों में यकीनन बेहतर प्रदर्शन रहेगा, पर बिहार से 40 की 40 सीटें हम लोग जीतेंगे, और 2025 में बिहार में एनडीए की सरकार, और ये वो एनडीए की सरकार नहीं जो चुनी तो जाती है एनडीए के साथ पर चलाई जाती है महागठबंधन के साथ, एक ऐसी एनडीए की सरकार जो माइनस नीतीश कुमार जी की होगी, और एक स्थिर सरकार 2025 में बिहार को मिलेगी। इसी के साथ ये औपचारिक घोषणा कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास अब एनडीए का मजबूत हिस्सा है, ये आज आप लोग के समक्ष मैं करता हूँ। अब अगर आप लोगों को कोई सवाल, भाई मैं गठबंधन धर्म की मर्यादा को तोड़ूंगा अगर मैं सीटों की संख्या, क्योंकि ये गठबंधन के भीतर हुई चर्चाएं, और ऐसी किसी भी चर्चा को सार्वजनिक करना मुझे नहीं लगता कि अभी आज उसका समय है, यकीनन जब चुनाव करीब आएगा सीटों की जानकारी भी दी जाएगी, पर ये तमाम चर्चाएं हुई हैं, सकारात्मक हुई हैं, और इसी के आधार पर एनडीए का हिस्सा बनने का फैसला पार्टी के द्वारा दिया। Well, of course, I had a few concerns, and those concerns were concerning, yes, my budget document primarily, that comes from the state of Bihar. Bihar was Bihari first, because I was not allowed, because last time also I wanted to have a common minimum program in Bihar, you know, where this, my Bihar was Bihari first should be the part of the government agenda, because I don't believe the Saath Nishchay can do any good for the state development. So definitely, yes, that was one of the concerns. Lok Sabha seats definitely was one of the concerns. Vidhan Sabha
was one of the concerns, and all these concerns were well addressed by the senior leadership of Bharatiya Janata Party. Sir, ये हाल में आपने बोला है कि खालीपुर से आप चुनाव लड़ने की आपने इच्छा जाहिर की है 2024 में, क्या अभी भी आप उस अपने बयान पर कायम हैं कि खालीपुर से आप चुनाव लड़ेंगे 2024? जी बिल्कुल, मैं उस पर कायम हूँ. सॉरी, आई मिस्ड द सेकंड पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन. सो यस, आंसरिंग दैट, इट रियली डजंट मैटर दैट हु इज द पार्ट ऑफ दिस एनडीए अलायंस, हु इज देयर इन द कैबिनेट, हु इज देयर इन द मिनिस्ट्री. I'm way past, you know, all these concerns. It doesn't really matter to me whether Chacha is there, he is not there. We all are collectively, and we all should collectively work towards strengthening the India alliance. So I think that should be our collective responsibility. For me, the personal issues or personal concerns, whether he's the minister, I'm the minister, he's not, it doesn't really matter. I'm way beyond all those things. And bhai, aapke sawal ka jawab dete hue, yes, Hajipur ki seat मेरे लिए कंसर्न रहा है, और इसको प्रमुखता से हम लोगों ने गठबंधन के भीतर इस पर चर्चा हम लोगों ने की है. इतना मैं आपको ज़रूर कह सकता हूँ कि 2024 लोकसभा चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का ही प्रत्याशी हाजीपुर से चुनाव लड़ेगा, कोई संदेह नहीं है. भाई वो कितने भी आरोप उस पर लगाएं, वो मुझसे बड़े हैं. वो माने नहीं माने, मेरे वो चाचा थे हैं रहेंगे. इस रिश्ते को कोई नहीं बदल सकता. मेरे पिता के जाने के बाद मैंने उनमें ही पिता की छवि को देखा, और वो सम्मान उनके प्रति मेरा आज भी. इसीलिए आज तक 2 साल बीत गए भाई, मैंने कभी भी अपने चाचा जी पर, अपने भाई पर कभी कोई टिप्पणी मैंने नहीं की, ना ही मैं करूँगा. वो उम्र में मुझसे बड़े हैं, मुझे जो कहना चाहें, डांटना चाहें, जो भी करना चाहिए, वो मुझसे बड़े हैं, वो कर सकते हैं. मैंने उनकी किसी बात पर ना मैंने कभी टिप्पणी की, ना मैं करूँगा. बट हाँ, कभी कभी दुख अफसोस मुझे ज़रूर होता है जब वो इस तरीके की बातें मेरे बारे में कहते हैं. जनता से जो रिएक्शन आता है, या आप ही से, आप अपने पोर्टल पे ही मुझे कमेंट्स पढ़ लीजिए. भाई हूँ तो बेटा ना हूँ, मेरे पिता के बारे में कोई ऐसी बातें कहेगा, दुख तो होता है ना. तो वो जिस तरीके की बातें उनके बारे में कमेंट्स में कही जाती हैं, मैं मानता हूँ ये सारी बातें सार्वजनिक तौर पर करने का कोई मतलब नहीं है. ये सारी बातें जनता के बीच बोलने का, आपको सीटों की चर्चा करनी है, गठबंधन के रूप में बैठने आराम से कीजिए. पर ये बातें जब पब्लिक डोमेन में खबरें बनाने के लिए की जाती हैं, तो जनता भी इसको नहीं स्वीकारती है, और बहुत नकारात्मक प्रतिक्रिया आती है, बहुत नेगेटिव रिस्पॉन्सेज उस पर देखने सुनने को मिलते हैं. जो एक बेटा होने के नाते, मेरे पिता बोलते हैं मेरे चाचा जी के बारे में, जब मैं सारी बातें पढ़ता हूँ या सुनता हूँ, मुझे नहीं अच्छा लगता. पर मैं आपके सवाल का जवाब देते हुए, ना मैंने कोई टिप्पणी की, वो मुझ पर कोई भी आरोप प्रत्यारोप लगाए, ना मैं करूँ. भाई मैं जिस परिवार से आता हूँ, उस परिवार में ये तमाम फैसले परिवार के बड़े लेते हैं. मेरे पिता जब तक जीवित थे, ये तमाम फैसले उनके द्वारा लिए जाते थे. उसके बाद परिवार के फैसलों की जिम्मेदारी परिवार के सबसे बड़े सदस्य मेरे चाचा जी की है. तो कोई साथ आएगा नहीं आएगा, ये फैसला लेने का अधिकार से उनके पास में, मुझे लगता है वो ये फैसला ले चुके हैं, और कई बार इसकी घोषणा भी कर चुके हैं. उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि सूरज पश्चिम से उग जाएगा, पर चिराग से मेरा कोई समझौता नहीं होगा. तो मुझे लगता है कि वो फैसला ले चुके हैं. मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई कंडीशन अप्लाई होने की जरूरत है. जनता का विश्वास आप पर होना सबसे बड़ी प्राप्ति है, और आज की तारीख में भाई मैं बड़ी बात नहीं कर रहा, अगर मैं कर रहा हूँ तो प्लीज आप में से कोई मुझे टोक जरूर दीजिएगा. बट जो रिस्पॉन्स लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को आज की तारीख में मिल रहा, या जिस कार्यक्रमों में मैं जा रहा हूँ, या जिन सभाओं में मैं जा रहा हूँ, और तस्वीरें झूठ नहीं बोलती ये कहा जाता है, मैं तो तस्वीरें नहीं, मैं तो वीडियोस डालता हूँ, क्योंकि तस्वीरें कभी कभी किसी एक एंगल से दी जाती हैं तो भीड़ अच्छी दिखती है. मैं तो वीडियोस अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मैं डालता हूँ. तो अगर आप उनको आप आधार बनाएं, तो जो एक जन समर्थन लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को मिल रहा है, और राष्ट्रीय स्तर पर यकीनन भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री जी का एक अपना प्रभाव रहा है, कलेक्टिवली मुझे लगता है कि हम लोग एक इतनी स्ट्रॉन्ग ताकत है जो आने वाले समय में लोकसभा के चुनाव में हमारे एनडीए गठबंधन को एक क्लीन स्वीप बिहार से कम से कम देगा. बैकग्राउंड में वो ले ली सारे जी बोल रहे हैं कि अभी भी आपका लालू यादव की तेजस्वी यादव के साथ नहीं,
आपका लक्ष्य क्लियर होना चाहिए। आज की तारीख में मेरे प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, तो मैं क्यों अपनी शक्ति को बांटूं किसी दूसरे को टारगेट करने के लिए। 18 सालों से जो आपके प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, जवाबदेही उन्हीं की बनती है ना, और मैं किसी दूसरे पक्ष को क्या बोलूं जो कि सप्लीमेंट्री के तौर पे आते हैं, कुछ समय ये, कुछ समय वो, कुछ समय ये, कुछ समय वो। मुख्यमंत्री ने तो बार बार घर बदलने का काम किया, जो एक कुर्सी स्थिर रही और उस कुर्सी पे कोई एक व्यक्ति स्थिर रहा, तो वो हमारे आज के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं। तो यकीनन मेरे सारे सवाल उन्हीं से ही बनेंगे, जो जवाब देने की पोजीशन में आज की तारीख में नीति निर्धारक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, तो यकीनन सवाल उन्हीं से ही बनेंगे। Please go one by one. I'll come to the third one because then it's just my mind. So yes, to begin with the Prime Minister's comment, I absolutely agree. Yes, it is. I just needless to say, I mean, I'm not here with the statistics ki who's corrupt, who's not corrupt, or who's done what, what allowed or not. Everybody knows that. So it's there in the public domain. So definitely, yes, I mean, today when all these parties are coming together, and why are they coming together? More importantly, they're not coming together for the development of our country. They're not coming together to eradicate the unemployment from our country or to remove the, you know, the mahangai dar and all that. They are coming together just to remove one person from his post, right? The whole alliance is coming together to remove our current Prime Minister, Adaniya Narendra Modi ji, from his post. So I don't see a vision. I don't see a neeti. I, as a youngster or as a voter or as an Indian of this country, I don't know why should I vote for Mahagathbandhan or UP or whatever Namkaran that they're going to do today. So I don't know why should I vote for them, because I don't know their vision. Why are they coming together? And then my chief minister leading that alliance. I mean, isn't that funny? Somebody who's been rejected by his own state wants an acceptance across the country. On what basis? In 2013, when my current Prime Minister came to power, or when he was projected as the Prime Minister candidate in 2013-2014, he came with a vision of, with a model of Gujarat. You know, debatable, you can do that, but then he came with a Gujarat model, right? What is the model that my Chief Minister has got for the rest of the state in our country? What he wants to project, that there are so many murders happening in my state, these are the figures that I want to see in the country. This is the amount of bhrashtachar that is taking place in my country. This is the amount of corruption that I want to see in the rest of the country. What is this model? So someone who's been rejected by his own state can lead the country. I don't see that happening. Now, if you are in the other position. Well, I mean, they have nothing else to say. So eventually, this is what they are left to say. I would prefer hearing better arguments from their side, better agendas from their side, how they want to cope with the so-called situation which they keep highlighting of unemployment, of Mahangai. So I want to hear those things from them as an opposition, not just targeting one person. क्या आप ये कहने की हालत में हैं आज की पिछली बार जो आप 6 सीटों पर चुनाव लड़े थे उससे कम पर नहीं लड़े थे? मैं बिल्कुल इस हालत में नहीं हूँ। लेकिन चिराग जी, इसी मैं गठबंधन दल की मर्यादा को तोड़ूंगा अगर मैं ऐसी कोई भी जानकारी पहले सार्वजनिक करूँ समय से पहले, तो वो उचित नहीं होगा। चिराग जी, अलायंस के बारे में बातचीत हुई आपकी, उन्होंने विधानसभा में क्या सीट सेल होगा उसको भी कुछ मोटा मोटी बातचीत हुई? भाई जैसा मैंने कहा कि जितने मेरे कंसर्न थे सारे कंसर्न को एड्रेस किया गया, डेफिनेटली विधानसभा वॉज वन ऑफ देम। वेरी पॉजिटिव भाई, गठबंधन मंत्रिमंडल के लिए नहीं बनाए जाते, और वो भी तब जब हम लोग चुनाव की पूर्व संध्या में बैठे। ऐसे में मंत्रिमंडल में जाना नहीं जाना कोई मायने नहीं रखता। आज की तारीख में हम सबको अपने अपने क्षेत्रों में ही जाने और रहने की जरूरत है, और ये भी गठबंधन सिर्फ और सिर्फ 2024 विकास के एजेंडे को लेकर, लोक नीति को लेकर, जन कल्याण की नीतियों को लेकर, इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए ही बनाया गया, ताकि किसी मंत्री पद को मद्देनजर रखे। यस ऑफ कोर्स, यस ऑफ कोर्स, यस। इट्स नॉट ओनली फॉर 2024,
It's also for 2025, and hopefully I want to see this alliance continuing for 2029, 30 and so on and so forth. भाई जैसा मैंने अभी जवाब दिया मंत्रिमंडल पहली बात तो इसलिए किसी का भी टिप्पणी करना बहुत गलत है। कोई भी ये बोलता है मंत्रिमंडल की अगर कोई उम्मीद करता है या चर्चा करता है ये पूर्णतः प्रधानमंत्री जी का अधिकार क्षेत्र है। इसमें किसी भी तरीके के बातें करना टिप्पणी करना या आशंकाएं लगाना मुझे लगता है सरासर गलत है और ये गठबंधन उस सोच से किया गया। जिस तरीके से सांसद मिल रहे हैं वीणा देवी वैशाली महबूब अली कैसर नवादा से तो क्या जैसे आप कह रहे हैं कि हाजीपुर से आपकी ही पार्टी लड़ेगी आपका भी चुनाव लड़ेगा तो इन सीटों पर भी आपकी ही दावेदारी है? नहीं बिल्कुल 2019 में हम ही लोगों ने जब मैं हम लोगों की मैं बात करता हूँ मैं इस चीज़ को भी एक बार और स्पष्ट कर दूँ। उस वक्त अलायंस में लोक जनशक्ति पार्टी का प्रतिनिधित्व या हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा था गठबंधन की चर्चाओं में? 2014 में भी संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष होने के नाते मैंने ही किया, 2015 में भी उसी नाते मैंने किया, 2019 में भी उसी नाते मैंने ही प्रतिनिधित्व किया। तो 2019 की जो सीटें लोक जनशक्ति पार्टी को मिली वो लोक जनशक्ति पार्टी संसदीय बोर्ड जिसका अध्यक्ष उस वक्त मैं था उसी के आधार पर वो सीटें मिली। तो वो सीटें भी उस वक्त हम ही लोगों के पास थी और आज भी यकीनन वही हम लोग की अपेक्षा है। और जो लोग दावा करते हैं पास सांसदों का इट्स एन ओपन सीक्रेट भाई, ये किसी से छुपा नहीं है, आप सब जान रहे हैं कि कौन सा सांसद किसके संपर्क में, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। कुछ तस्वीरें कल आपने मेरे घर पे भी देखी, कई तस्वीरें मुख्यमंत्री जी के घर पे भी दिखाई देती हैं और कई तस्वीरें तो भाजपा के यहाँ भी दिखाई देती हैं। तो ऐसे में जो कहते हैं कि भाई पांच सांसद हमारे साथ हैं वो भी हाँ जरूर दल बदल कानून की बाध्यता की वजह से संभवतः औपचारिक तौर पर एक टूट संभव ना हो सके, पर हर सांसद अपनी 2024 की राह किसके दरवाजे से तलाश रहा है कि किसी से छुपा नहीं है। इससे नोबल सीक्रेट को लेकर देखिए जैसा मैंने कहा कि मैं चाचा की बातों पे कोई टिप्पणी करता नहीं हूँ, वो बड़े हैं, वो मुझे डरपोक बोले, वो मुझे सड़क पे मरने वाला जानवर बोले या मेरी सिक्योरिटी को लेकर बोले कि भाई प्रधानमंत्रियों की हत्या हो गई सिक्योरिटी पर मेरी हत्या की आशंका जाहिर करें, वो मेरे बारे में जो बोले मेरे लिए वो सम्मानित हैं, आदरणीय हैं, बड़े हैं, मैं उनकी किसी बात पर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। वो मुझे डरपोक कह रहे वो भी सलातों पर उनके तमाम शब्द अच्छा मैं आशीर्वाद समझकर बड़ों का गुस्सा भी कहा जाता है हमारे संस्कारों में,